Hello everyone. Hi guys, this is Vidhan. This is Pravash. And welcome back to the Reactionist. तो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बधाई दो के ऑफिशियल ट्रेलर पे. पहले इस मूवी के बारे में कुछ बताने से पहले मैं ये बताता हूँ कि ये मूवी रिलीज होने वाली है 11th फरवरी को थिएटर्स में. और ये भी कहा गया है कि इफ इन केस ये मूवी 11th फरवरी को नहीं रिलीज होती है तो शायद 18 तारीख की डेट पर है. क्योंकि कोविड की वजह से मुझे लगता है कि ऐसे प्लान्स चल रहे हैं, क्योंकि आजकल तो पता ही है कि मूवीज अगर थिएटर में रिलीज ना हो पाए तो उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज करना पड़ रहा है. क्योंकि आप सबको पता है कि आरआरआर के साथ भी है कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन उसके बारे में हम किसी और यू नो वीडियो में रिएक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो अभी चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट इनटू द ट्रेलर. देखते हैं कैसा बना है ये मूवी. ये बधाई हो का सीक्वल है बाय द वे, जो आप लोगों ने देखा था. आयुष्मान खुराना एग्जैक्टली. उसमें आयुष्मान खुराना थे और सानिया मल्होत्रा राइट. यस आई एम सॉरी. तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द ट्रेलर. लेट्स गो. ये भी नहीं बोलना चाहिए था से. क्या उपले? मैंने मुश्ताक खान को देखा भी ओके गाइस, हमने जस्ट ये ट्रेलर देखा आप लोगों के साथ. तो आई वुड लाइक टू नो योर रिएक्शन फर्स्ट, फिर मैं अपना बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि राजकुमार राव के बारे में जो मैं कहूँ, अगर 2017 से लेके बरेली की बर्फी 2017 में आई गेस रिलीज हुई थी. यस हाँ. उसके बाद से मैंने एक चीज नोटिस की है कि उन्होंने जितनी भी मूवीज की उसके बाद वो सब कॉमेडी जॉनर के साथ रिलेटेड है. जैसे श्री हो गई, रूही है, रूही, मेड इन चाइना, छलांग, एंड दीस काइंड ऑफ मूवी, यू नो. सम मैं उस राजकुमार राव को मैं मिस कर रहा हूँ जो मैंने पहले देखी थी शाहिद मूवी में. न्यूटन सिटी लाइट्स. वाओ क्या मूवी, क्या क्या अलीगढ़. ओह माय गॉड, मनोज बाजपेयी के साथ, यू नो, आई रियली मिस दैट. इसी चीज को लेके मेरा एक रिलेशन, यू नो, एक मतलब इसके साथ एक लिंक हो रहा है. As he just said, के अलीगढ़, you know, वहाँ पे भी ऐसे ही एक बहुत क्रिटिकल
जो व्हाट डू यू से सोशल नॉर्म सोशल जो नॉर्म और जो जो यू नो होमोसेक्सुअलिटी को लेके इतने अच्छे से उस मूवी में पोर्ट्रे किया गया था, जो मैसेज दिया गया था कि अगर आप यू नो मैं इन्हीं सारी मूवीज के बारे में बात करता हूँ, बधाई हो, बधाई दो, जो भी अभी हम लोगों को इस ट्रेलर से पता चला है, फिर वो आयुष्मान खुराना का जो रिसेंटली मूवी निकला था जितेंद्र के साथ, कौन सा मूवी था वो, दैट वन शुभमंगल ज्यादा सारा। ओके, कॉमेडी एक तरफ है गाइस, यू नो मैं हम लोग किसी भी तरह इस मूवी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मूवी अच्छी होगी या नहीं वो बात की बात है, वो जब रिलीज होती है ओवरऑल ये मूवी अच्छी होगी मुझे लगता है, लेकिन जो इसका जो सोशल जो मैसेज है गाइस, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि आपको कॉमेडी की थ्रू से ही जरिए से दिखाना पड़े, एग्जैक्टली आप इस मैसेज को सीरियसली बता सकते हैं या फिर द वे एज इट इज, यू नो आप हमेशा दोस्ताना, आप हमेशा शुभ मंगल ज्यादा सावधान, बधाई हो, बधाई दो, कोई भी सोशल मैसेज देना हो आपको तो आपको उसको कॉमेडी में डालने की जरूरत नहीं है, आप अलीगढ़ जैसी मूवी भी बता सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि ये सारी मूवीज आपको बाहर भी भेजनी होती है। आई नो बाहर कॉमेडी यू नो थोड़े बहुत उसमें लाइट मोमेंट्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट इज ये सिर्फ मैं मानता हूँ कि इंडिया के पास ही ये कैलिबर है ऐसी मूवीज बनाना कि सीरियस टॉपिक में भी थोड़ा बहुत कॉमेडी हम लोग डालते हैं, इट टर्न्स आउट टू बी अ वंडर। लेकिन लेकिन अगर हम इस कंटेंट के बारे में अगर बात करते हैं, कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, LGBTQ कम्युनिटी एक फ्रजाइल यू नो सिचुएशन में है इंडिया में, अभी तक ऐसा नहीं है कि कुछ चलो सब ठीक हो गया है, होमोसेक्सुअलिटी इज कॉमन, आज भी गली में, रास्ते में, कहीं भी मेट्रो पे, बसेस पे, कहीं भी जाइए, आज भी किसी कपल को अगर ऐसे देखा जाता तो कोई एक यू नो जैसे पाप कर दिया उन्होंने, हाँ, एक ऐसा बुरी नजर से देखा जाता, अजीब तरीके से उन्हें दिखाया जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं है। हमको ऐसे मूवीज में, ऐसे मूवीज को या फिर ऐसे कंटेंट्स को हमेशा सिर्फ कॉमेडी में नहीं डालना है, इसको थोड़ा बहुत सीरियस नोट देना चाहिए। हम अगर दिखाना हो, हर कोई फैमिली ऐसे नाश्ता गाता नहीं है गाइस, कम ऑन, मैं बिल्कुल इसके प्रोटेस्ट मतलब इसके अगेंस्ट नहीं हूं मैं, इस मूवी के अगेंस्ट में या फिर ऐसे कॉन्टेंट्स के अगेंस्ट में, लेकिन वो सारी मूवीज कब बनाएंगे हमें ये भी पता है कि सिर्फ आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव के हाथ में ये सारी मूवीज बनाने का दारोमदार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनके पास ही है अभी तक तो शायद बनाए, राइट राइट, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी ऐसे अगर राजकुमार राव या फिर आयुष्मान खुराना, जैसे आजकल मैंने देखा भी कि ऑनलाइन आयुष्मान खुराना को टाइपकास्ट किया जा रहा है, हाँ, अरे चंडीगढ़ करे, आशिकी ये मूवी थी, मतलब उसने उस आदमी ने सब ठेका लेके रखा है कि जितने भी सोशल नॉर्म्स या फिर ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं जो समाज में हो रहे हैं वो सब वही करेगा, और फिर हाँ, और फिर 10 साल के बाद ये लोग कहेंगे कि हमें टाइपकास्ट किया गया है, हमें वो मूवी नहीं मिली, या फिर हम भी शाहरुख खान हो जाते, सलमान खान हो जाते। ऑब्वियसली शाहरुख और सलमान खान बहुत अनलकी है कि उन्होंने ऐसे कॉन्टेंट्स पे कभी मूवी नहीं की है, आई अंडरस्टैंड दैट। आमिर खान भी कहते हैं कि अपने मैंने उतने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज है कि वो कहते हैं कि मैं 90s में मैं मिस करता था हमें कुछ ऐसा है, हमें अरे 90s में ऐसी चीजों का मजाक उड़ाया जाता है, इवन अ सेलिब्रिटी डायरेक्टर लाइक करण जौहर, उन्होंने दोस्ताना में उन्होंने क्या किया, मजाक ही तो किया, मजाक ही किया। हमारे इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टारों में से एक है मिस्टर रजनीकांत, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि आई वुड लाइक टू प्ले अ रोल ऑफ अ ट्रांसजेंडर। सोचिए मतलब उनकी थिंकिंग कितनी अलग है बाकी जितने सुपरस्टार्स हैं, मतलब आप कॉमेडी कर सकते हैं लेकिन हर बार नहीं, लाइक यू कैन गेट अ यू नो राइटर लाइक राइटर डायरेक्टर लाइक हर्षवर्धन खुराना हु हैज रिटन मेनी गुड मूवीज और काफी अच्छे लेखक हैं वो, और जहां तक मुझे पता है कि हर्षवर्धन खुराना ने इससे पहले एक मूवी डायरेक्ट की थी हंटर, हंटर ओके दैट वाज गुड, दैट वाज कॉमेडी, वो भी सोशल मैसेज के ऊपर थी। जब भी कोई मूवी आती है इस चीज को लेके मुझे बस इसी चीज का डर रहता है कि कॉमेडी ना हो गाइस, कॉमेडी ना हो, कॉमेडी ना हो, बट डिसअपॉइंटमेंट। चलिए ये एक्चुअली हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद हमारे शायद आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे, मैच नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे साथ शायद वो रिलेट करेंगे इस बात को लेके, दे विल अग्री टू अस, क्योंकि हम दोनों का तरीका मतलब हमारा यही ओपिनियन है कि ऐसी मूवीज बन रही है काफी अच्छी बात है, पर इस तरह से ना बने, क्योंकि अब एक वक्त आएगा पब्लिक ही कहेंगे कि अब बोर हो गए, अब ऐसे मूवीज देखने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ और दिखाइए, हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन अगर लाया जाए, जो दिखाने का जो जरिया है वो थोड़ा चेंज हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो गाइस इस मूवी के कास्ट के बारे में जरा सी बात कर लेते हैं, वी ऑल नो वी हैव राजकुमार राव एंड भूमि पेडनेकर इन द लीड रोल्स, बट एक अच्छा चेंज आया है इसमें, हम लोग देख पहली बार हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि चुम दरंग, शी इज बेसिकली अ नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट्रेस, पहली बार ऐसा हुआ है गाइस कि एक नॉर्थ ईस्टर्न रोल के लिए एक नॉर्थ ईस्टर्न को ही लिया गया है, ये पहली बार हो रहा है,
विच इज अ रियली गुड चेंज. और काफी मच्योर्ड एक्टर्स हैं इसमें, जैसे सीमा पावा जी है, फिर शिवा चड्डा जी है, और लवलीन मिश्रा, नीतीश पांडे, शशि भूषण जी, काफी सारे बड़े नाम हैं यहाँ पे. लेकिन अल्टीमेटली इस मूवी के बारे में कहे गाइस, कास्ट काफी एक्सपीरियंस्ड है व्हेन इट कम्स टू द लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड द अदर पीपल. चुम दरन इज अ वेलकम, यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल यू नो साइट टू हैव अ नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट्रेस प्लेइंग द मेन रोल ऑफ अ नॉर्थ ईस्टर्न कैरेक्टर. काफी अच्छा, एंड शी इज क्वाइट पावरफुल, यू नो वो टक्कर देनी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डायलॉग्स और एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, काफी अच्छी है. हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और इस मूवी में काफी सारे यू नो इनहिबिशन से जिसको तोड़ा गया है, सोसाइटी में जो सीरियस स्टीरियोटाइप होते हैं उसे बहुत सारे चीजों में तोड़ा गया. जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि मिड 30s में अगर कोई शादी करता है तो मतलब फैमिली प्रेशर रहता है कि जल्दी शादी कर लीजिए, मतलब जो बहुत आई थिंक कि बहुत कॉमन चीज है, कॉमन चीज है. मतलब इंडिया में अगर 25 के ऊपर हो जाओ तो उससे बाद अगर शादी करो तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. फिर बच्चा लेने के लिए जो प्रेशराइज किया जाता है फैमिली में, नॉर्मल फैमिली में, वो भी दिखाया गया. फिर लेस्बियंस या गेज या फिर LGBTQ की एक्सेप्टेंस को लेकर जैसे हमने बात की, वो नॉर्मल फैमिली में बड़ी क्राइसिस है. तो बहुत सारे ऐसे सोशल नॉर्म्स है जिसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. इट इज वेरी गुड. लेकिन हाँ, जो हमने जैसे कहा कि अगर थोड़ा सीरियसनेस, एक सीरियस टच होता है इस मूवी में तो शायद बहुत लोग यू नो सिंपथाइज कर पाते. तो कोई बात नहीं, मूवी काफी, ट्रेलर काफी अच्छी बनी है और 11 फरवरी को जैसे ये डेट दी गई है, थिएटर्स को रिलीज होने की बात है गाइस. लेकिन देखते हैं तब तक कोविड सिचुएशन क्या रहती है हमारे, क्योंकि हमने अभी गूगल में सर्च किया तो हमें पता चला कि 11 फरवरी को भी रिलीज हो सकती है या फिर 18 को भी रिलीज हो सकती है. अगर पोस्टपोन हो गई तो हो सकती है. तो गाइस इस मूवी के बारे में, इस ट्रेलर के बारे में हमें इतना ही कहना था. बट अल्टीमेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट तो कीजिए गाइस. और आपकी भी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए गुड बाय गाइस, कीप वॉचिंग अस, बाय बाय.